हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज संडे है, और संडे मतलब कुछ ना कुछ बड़ा काम तो रहता है। जैसे कि मेरा पिछले साल के हिसाब से इस साल थोड़ा लॉन्ग ट्रिप्स थोड़ा बढ़ गया है, तो मेरे को अपना गाड़ी को पूरा अप टू डेट भी रखना है। तो अभी गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मैं सोचा आज उसको काम कर देते हैं, वरना आगे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक थोड़ा मेरा लॉन्ग ड्राइव्स है। तो प्रॉब्लम ये है, जब गाड़ी चलता है ना, मतलब जो एक्सीलरेशन होता है तब इंजन से कोई नॉइज़ नहीं हो रहा, बट जब आइडल हो जाता है, एक्सीलरेटर से पैर हटा देता हूँ, तो एक ठो नॉइज़ आ रहा है। वो शायद मेरे को लग रहा है आइडल पुली का नॉइज़ होगा। मैं एक बार आपको सुना देता हूँ, पता नहीं माइक कितना जज कर पाएगा, तो थोड़ा देखते हैं। पहले तो बोनेट को पहले खोल देते हैं, एंड ऑल्सो एक तो मतलब बियरिंग नॉइज जैसा हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये पुली से नॉइज हो रहा है। तो ऐसा नॉइस पहले नहीं होता था। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा एक आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग थोड़ा नॉइस बढ़ गया। मतलब मेरे को लग रहा है कि इससे पहले थोड़ा होता था, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। जैसे लगता था कि शायद ये बम्पर से कोई नॉइज हो रहा है, लेकिन अभी ठंड के मौसम से ये बढ़ा है, तो पता नहीं कुछ वेरिएंट बढ़ गया होगा। तो उसको लेके आज मैं जा रहा हूँ आदित्य हुंडई। तो मांडो में है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर से, थोड़ा सिटी के बाहर है। सिटी के अंदर भी कुछ कुछ सर्विस सेंटर है, लेकिन मैं आइडियली वहीं पे ही करवाता हूँ, तो वहाँ चलते हैं आज। मैंने कल से अपॉइंटमेंट ले लिया था, मेरे को उन्होंने कहा था 8 बजे तक गाड़ी ले आइएगा, एंड अभी हो रहा है 7:03, और ठंड भी है 14°C। बारिश के चलते थोड़ा ठंड बढ़ गया, तो लेट नहीं करते, चलते हैं। फिर रास्ता में बात करेंगे, क्या कैसा काम होगा, कैसा क्या खर्चा आने वाला, वो भी मैं अभी आवेगी आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो। So, मेरे राइट साइड में है हुंडई शोरूम, मेरे को आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो ये शोरूम, मतलब यहाँ पे शोरूम प्लस सर्विस सेंटर एक ही जगह है, बड़ा यार्ड है तो इसीलिए एक ही जगह है। नॉन जनरली शोरूम के साथ सर्विस सेंटर नहीं रहता है, स्पेस की अवेलेबिलिटी के चलते। तो
मैं पहुंच गया हूं हुंडई का वर्कशॉप एंड मेरा गाड़ी सीरियल नंबर में 1 है। यही मैं चाहता था क्योंकि थोड़ा लेट हो जाने से ना फिर आज का दिन का सारा जो भी शेड्यूल है सब बिगड़ जाएगा। वैसे ही पता नहीं गाड़ी का काम कितना टाइम लगेगा और मैं आज खुद पर्सनली रहने वाला हूँ इसलिए मैं संडे को ही लेके आया हूँ क्योंकि बाकी दिन तो ऑफिस रहता है तो गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, वर्कशॉप खुलने में अभी टाइम है तभी उन लोग एंट्री वगैरह करेगा उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी। तो वर्कशॉप का एंट्री टाइमिंग है कि 8 बजे गेट के पास एंट्री करते हैं उसके बाद जाके गाड़ी अंदर आ सकती है। तो गाड़ी तो अभी अंदर आ गई है, बाकी शायद कोई आके अभी अटेंड करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या काम होने वाला है। सो कार को उन लोग अपने बे में पार्क कर दिया है एंड गए हैं स्टॉक चेकआउट करने के लिए। अगर स्टॉक अवेलेबल है तो बाकी फर्दर काम करेंगे वरना फिर वेट करना पड़ेगा। उन लोग ऑर्डर देंगे, 8 दिन के बाद पार्ट्स आएगा उसके बाद फिर काम हो पाएगा। मोस्टली पुली चेंज होने वाला, आइडल पुली एंड अल्टरनेटर है और कुछ कुछ चेंज होने वाला है। तो लेट्स सो कितना खर्चा आने वाला है, देखते हैं फिर बाद में पता चलेगा।
पूरा किट चेंज हुआ। ভিতরে বিয়ারিং ফিরে হচ্ছে না কোন হ্যাঁ বিয়ারিং এ চেঞ্জ হয়ে वाला है টেনশন নেই করি এ বলুছি কি টেনশন নেই করি এটা যে বেল্ট রাউ টাইট করে রাখি ওহো এটা অটো টেনশন নেই আচ্ছা আচ্ছা টানি ছাড়তে ইয়া কোন দেশে যাবো ইয়া পে সাউন্ড হচ্ছে टेंशन में न रखिले बेल्ट तो खराब 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 होता है तो लेड़ा खराब है जी हाँ अच्छा इतना एक किलो डाल भी चेंज कर दिया तुमने हाँ तो ये ऑटो टेंशनर चेंज होने वाला है ना कौन
शेयर करने की बारी हुई मेरे। फाइनली जो मेरा प्रॉब्लम था, जो नॉइज़ का प्रॉब्लम, वो तो पूरा कम्प्लीटली सॉर्ट आउट हो गया। एंड कितना क्या खर्चा है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। 4 पार्ट्स लगा, एक पुली लगा, आइडलर पुली एंड पुली ड्राइव बेल्ट लगा है, फिर और एक रिप्ड बेल्ट लगा है, टेंशनल पुली लगा है, मतलब 4 चीज़ लगा है। एंड लगभग सबका लोअर साइड 295 से लेकर हायर साइड 1333 एंड फिटिंग चार्ज अलग से है, तो टोटल बिल आ गया है 4166 का बिल आया। तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा होगा लग रहा था, क्योंकि एक दो जगह में बात हुआ था तो उन लोग मेरे को कुछ 8 से 10 हज़ार का कोट किए थे, मतलब बाहर हुंडई सर्विस में नहीं था, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा जहाँ मैं रेगुलर सर्विस करवाता हूँ वहीं कर दिया। तो ऑलमोस्ट डन, और गाड़ी में और कुछ कुछ काम है। हाँ, और एक चीज़ मेरा गाड़ी का काम था, जो राइट साइड का जो मिरर है ना, ये देखो ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, बट ये लेफ्ट साइड का जो मिरर है वो बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा उसको पूछा कि कहीं मोटर वोटर रिपेयर होगा या क्या होगा, तो उन्होंने कहा रिपेयरेबल नहीं है, टोटल मिरर ही चेंज करना पड़े, मिरर का एक सिंगल मिरर कॉस्ट है 20,000। तो मैंने बोला नहीं, रहने तो भाई, ठीक ठाक चल रहा है, क्यों बेकार उसको फिर नया रिप्लेस करें। तो ये था आज का वीडियो। मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल में ये आइडलर पुली का जो इशू था, नॉइज इशू के बारे में देख रहे थे, कहीं पे डिटेल्स में नहीं था। एंड लोगों का एक क्वेरी था कि ये कॉस्ट कितना आता है, तो मैं तो बोलूँगा ये ठीक ठाक कॉस्ट है, बाकी कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। मारुति हुआ या फिर वेस्टर्न कंपनीज का जो गाड़ी है, स्कॉडा एंड जो VW का गाड़ी है, उसका कॉस्ट तो डिफरेंट थोड़ा ज़्यादा होगा मेरे को लग रहा है। तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी कंपेरेटिवली ये ठीक ठाक ही प्राइस था। तो और कुछ किसी का कुछ डाउट है इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।